हेलो फ्रेंड्स, मैं QAQC इंजीनियर फ्लूक प्रोजेक्ट्स का आ गया हूँ आप सबके सामने एक नए वीडियो के साथ। जैसे कि आप डिस्प्ले में देख पा रहे हैं, ये है PAUT मशीन। हम कैलिब्रेशन कर रहे हैं PAUT यानी कि फेज़ एरे अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग की हम कैलिब्रेशन कर रहे हैं। इसके साथ साथ मैं आपको PAUT के बारे में कुछ कुछ चीज़ें बताता चलता हूँ। PAUT का फुल फॉर्म, जैसे कि मैंने बताया, फेज्ड एरे अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग, जिसमें टर्म फेज्ड रेफर करता है टाइमिंग को और एरे रेफर करता है मल्टीपल एलिमेंट्स। इसमें PAUT पल्स इको या पिच कैच मोड पे ऑपरेट होता है। PAUT एडवांस टेक्नोलॉजी में से एक है, जो UT की एडवांस टेक्नोलॉजी है। इसमें 16 इंडिपेंडेंट पल्सर और रिसीवर होते हैं। ये जो है एडवांस, इसलिए इसमें फ्लॉ की डेप्थ, हाइट, टाइप्स ऑफ फ्लॉ, जैसे कि स्लैग है, पोरोसिटी है, क्रैक है, ETC, जो भी है टाइप्स ऑफ फ्लॉ, वो लोकेशन ऑफ द फ्लॉ, जैसे ID कनेक्टेड है, एम्बेडेड है, या लेंथ ऑफ फ्लॉ, एम्पलीट्यूड ऑफ फ्लॉ, ये सारे जो है ये डिस्प्ले होते हैं। PAUT कैपेबल होता है बी स्कैन, सी स्कैन और एस स्कैन। ए स्कैन के साथ ये तीनों भी डिस्प्ले होता है। जैसे कि आप डिस्प्ले पे देख पा रहे हैं, हमें हमारी स्क्रीन पे ए स्कैन जो लेफ्ट साइड में है, ये डिनोट करता है एम्पलीट्यूड वर्सेस ट्रू डेप्थ को, और बी स्कैन और एस स्कैन जो है, बी स्कैन रेफर करता है स्कैन एक्सिस और वर्सेस ट्रू डेप्थ, और सी स्कैन जो बॉटम साइड में है, वो सी स्कैन डिस्प्ले है, वो एंगल वर्सेस स्कैन एक्सिस को डिस्प्ले करता है, और जो इस एस स्कैन है वो बी स्कैन के साथ इंडेक्स एक्सिस वर्सेस ट्रू डेप्थ को रेफर करता है। और यूटी और इसमें यूटी में सिर्फ ए स्कैन डिस्प्ले होता है, और इसमें ए स्कैन के साथ बी स्कैन, सी स्कैन और एस स्कैन। इसमें ए स्कैन तो 2D डिस्प्ले और एम्पलीट्यूड ऑन वर्टिकल एक्सिस शो करता है। बी स्कैन जो है वो साइड व्यू या क्रॉस सेक्शन व्यू भी कह सकते हैं, जो कि रूट डिफेक्ट को एनालाइज करने के लिए होती है। इन सब के साथ जो डी स्कैन व्यू होता है, जो कि रिप्रेजेंट करता है इंड व्यू, और एस स्कैन जो है वो ट्रू डेप्थ जो है वो रिप्रेजेंट करता है, और सी स्कैन जो है टॉप या क्रॉस सेक्शन व्यू जो होता है उसको रिप्रेजेंट करता है। अगर हम बात करें फीचर्स ऑफ PAUT की, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि स्पीड फेज एरे इलेक्ट्रॉनिक स्कैनिंग अलाउ करती है, जो कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जो है वो फास्टर है कन्वेंशनल स्कैनिंग से। दूसरी बात है फ्लेक्सिबिलिटी। एक फेज एरे का सिंगल प्रोब जो है वो वाइड रेंज एप्लीकेशन की कवर कर सकता है। तीसरी बात है इलेक्ट्रॉनिक सेटअप। इसमें सिंपली पहले से प्रिपेयर्ड फाइल को हम लोड करके कैलिब्रेशन और जॉब परफॉर्म कर सकते हैं। और चौथी बात हम करें तो स्मॉल प्रोब डायमेंशन की वजह से बहुत से ऐसे एप्लीकेशन है जहाँ लिमिटेड एक्शन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसके लिए एक सिंगल फेज एरे का प्रोब जो है मल्टीपल सिंगल ट्रांसड्यूसर प्रोब का काम कर सकता है। फेज एरे की सबसे बड़ी खास बात है कि हम इसे ऑफलाइन भी एनालाइज कर सकते हैं। इसमें एक फ्लैश कार्ड यूज़ होता है, जो कि स्कैनिंग के टाइम पे डेटा रिकॉर्ड कर लेता है। उस मेमोरी कार्ड को हम बाद में अपने कंप्यूटर पे लगा के इसका डेटा जो है कंप्यूटर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उसको एनालाइज कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं, और फ्यूचर के लिए सेव भी कर सकते हैं कि हमने क्या जॉब परफॉर्म की थी, उसमें क्या रिज़ल्ट आया था, उसका क्या क्या फ्लॉज थे, हम जब चाहें तब उसमें से निकाल कर देख सकते हैं। जो एब्रिवेशन आपको दिख रहा है ऊपर डिस्प्ले पे, इसमें DA का मतलब है डेप्थ, UMR जो है उसका मतलब है हाइट, और SMR का मतलब है लेंथ, और वाया जो लिखा हुआ है उसका मतलब है वॉल्यूमेट्रिक पोजीशन।